हम चीज़ जो अपने व्यूवर से हम शेयर करना चाहेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो बड़ी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है और ऐसा लग रहा है कि पूरी सियासत का महवर और मरकज सिर्फ नवाज शरीफ साहब की ज़ात है। लेकिन आप एक चीज़ का अंदाज़ा करें, नवाज शरीफ साहब की शख्सियत का, इनका सियासी वजन, सियासी असर देखें आप, कि वो लंदन में बैठे हैं लेकिन उसके बावजूद भी पूरी पाकिस्तानी सियासत का जो है ना उन्हीं के गिर्द घूम रही है। ये क्रेडिट नवाज शरीफ को नहीं जाता, ये क्रेडिट आई थिंक उनकी बेटी को भी जाता है। मरियम नवाज ने भी बहुत एफर्ट डाली थी उनके जाने के बाद। मरियम नवाज ने जिस तरह से एक पावर शो किया है, नवाज शरीफ के बयानिए को अभी तक जिंदा रखा है। हालांकि उनके भाई थे, पीएम थे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे मरियम नवाज ने अपने बाप का नाम जिंदा रखा है ना, इस लिहाज से मैं उनको काफी एडमायर करती हूं। नाम तो मरियम नवाज ने काफी माजी में, लेकिन जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई उसके बाद फिर वो जो नैरेटिव था वोट को इज्जत दो, वो नैरेटिव भी बिल्कुल साइड पे हमें नजर आया क्योंकि पीडीएम पहले मुझे क्यों निकाला। हाँ, उसके और हालांकि वो बड़ा पॉपुलर नैरेटिव था, बहुत आवाम भी साथ थी। इसी पर बात करने के लिए रहनुमा नून लीग नूरुल हसन तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वेलकम टू न्यूज मॉर्निंग। सर ये बताइएगा सबसे पहले कि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आ रहे हैं, किस तरह का इस्तकबाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, जरा तैयारियों के हवाले से कुछ प्लीज शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया, और PNN का भी शुक्रिया और आपका भी और आपके प्रोड्यूसर का भी। अर्ज ये है कि इंशाल्लाह ताला ये जो मियां नवाज शरीफ की इस्तकबाल की तैयारियां हैं ये पूरे ज़ोरों से जारी हैं और इसको हम पूरे पाकिस्तान से और ख़ास तौर पर जो DUIN की सतह के ऊपर जो है इसको मुनज़्ज़म किया है। फिर DUIN से वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर आप NA और PP और फिर उसके बाद यूनियन काउंसिल, तो यूनियन काउंसिल से जो है ना इंशाल्लाह ताला। और हमने एक अपने अपने एरियाज में दौरे किए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि मियां नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल है वो मिसाली होगा। और सच्ची बात तो ये है ईमानदारी से कि हमने अगर हम ये माजी करीब में तमाम हुक्मरानों का जायज़ा लें कि किसने किस तरह से, अगर हम एक मिनट के लिए परवेज़ मुशर्रफ से शुरू कर लें, ये 23 साल अगर आप देख लें तो इन 23 सालों में जो सबसे बेहतर कारकर्दगी है वो 2013 से लेकर 2018 तक की है। और इसमें जो है ना वो डॉलर भी कंट्रोल में रहा और इसमें जो है वो प्राइसेस जो है वो भी कंट्रोल में रही। पीडीएम के 16 माह, वो 16 माह मैं इसलिए नहीं ऐड करता क्योंकि वो पीडीएम के थे और वो क्राइसिस के हैं। मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता, इमरान खान को भी अभी इस वक्त, और वो उसमें मैं मुस्लिम लीग नून में ऐड नहीं करता क्योंकि जब हम मियां नवाज शरीफ की बात करते सर, हैं उनके भाई थे, तो पहले दिन से ये कहते हैं अशीर बात हासिल। अच्छा बात सुने ना, बात नहीं, ये आपकी 100% गलत बात है। नहीं, क्या आप अपनी कारकर्दगी और अपने भाई की कारकर्दगी को अपनी कारकर्दगी मान लेंगे? अच्छा, आपका आप छोटा और बड़ा भाई जो है शहबाज शरीफ साहब का PMLN से कोई ताल्लुक नहीं है सर, आप डिसोन कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को? डू नॉट टेक इट लाइक इस वे, द वे इज वी आर कंपेयरिंग एवरीबॉडी। मैं आई सेड एवरीबॉडी, उसमें सारे लोग आ जाते हैं, उनमें सब में से बेहतर कारकर्दगी जो है मोहम्मद नवाज शरीफ की है। और हम जो इंसिस्ट करते हैं उस दिन से लेके 2018 में जब इलेक्शन चुराए गए थे कि जनाब आपने ये फैसला गलत किया है, जिस जो भी लेके आए हैं वो आपका फैसला दुरुस्त साबित नहीं हुआ, इसलिए अब हम कहते हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप जिस बंदा जो बंदा सही चला रहा था उसकी खिदमात का एतराफ करें और उसको चलाने दें। हम कब किसी की मुखालफत कर रहे हैं, हमें तो इस वक्त जो जरूरत है। आप बात कर रहे थे यहाँ पे पेट्रोल की, हम रोना रोते रहते हैं, ये नहीं देखते कि जो जहाँ जितनी की चीज आपने बाहर से खरीदनी है उतनी की आपने आगे बेचनी है। आपका असल मसला डॉलर को कंट्रोल करना है, असल मसला जो डिफरेंस है आपका उसको आपने इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का उसको काम करना है, इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। हम सिर्फ जो है वक्त जाया करते हैं वावेला करके कि जी महंगाई होगी महंगाई होगी। भाई महंगाई हो गई है तो उसको महंगाई खत्म करने के लिए इकदाम करें। अब देखें कितना अच्छा
इस केयरटेकर हुकूमत ने अच्छा कदम लिया है कि जो डॉलर माफिया था उसके ऊपर पहले लोगों ने क्यों नहीं डाला, उसके ऊपर कंट्रोल हाथ क्यों नहीं डाला, डालना चाहिए था, क्यों लालो लाल से काम लिया। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की पाकिस्तानी की से बात कर रहा हूँ जी। पाकिस्तान में जिन लोगों ने 9 मई का वाकया किया, जो सहूलतकार हैं उनको सजा दे दें और माफियाज को कंट्रोल कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ ने 2013 में जो हालात थे उस वक्त 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी, वो खत्म की। और है, लेकिन 16 मंथ्स 16 महीने ये पीडीएम की गवर्नमेंट इक्तदार में रही है, तमाम पार्टियां थी, तब आपने माफियाज को कंट्रोल क्यों नहीं किया? चले जो सजा मिलनी है 9 मई के कल्प्रिट्स को, वो तो जुडिशियल से मिलनी है। प्लस चौधरी साहब सवाल सुन लेते, उसके बाद आप फिर जवाब तसल्ली से दीजिएगा। आई वांट टू शॉक यू। बात ये है कि हम लंदन के अंदर जो बहुत ज्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, आप भी वहां पर मौजूद होते हैं, खबरें आपके पास भी होगी, इंटरनेशनल अफेयर जनरल सेक्रेटरी हैं आप, तो क्या खिचड़ी पकड़ी है? कभी शहबाज शरीफ आते हैं, एक दिन के बाद वापस चले जाते हैं, मरियम नवाज चली जाती हैं, नवाज शरीफ गो के वापस आ रहे हैं, इस्तकबाल की तैयारियां पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट्स आ रही है कि वो वापस नहीं आएंगे। चल क्या रहा है असल में? देखें, दुश्मन जो होता है, जो मुखालिफ चाहता है, वो तो चाहता है कि आपका जो अपोनेंट है ना वो फौत ही हो जाए, उसको रहे ही ना मैदान में, ठीक है? तो वो जो आपके मुखालफीन हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फास्ट ट्रैक पे ऊपर खबर पहुंचती है सेकंडों में मिनटों में, जो लोग इधर की बात उधर करते हैं उसमें उसको उस फैक्टर को अधीन में रखें तो ये प्रिपरेशन हो रही है। हम कायद के इस्तकबाल के लिए तैयारियों में लगे हुए हैं और वो जो है वो जो चीज़ें जो डे टू डे चीज़ें हैं उनको डिस्कस करना और इनका वहाँ पे होना जरूरी है, और जाते हैं और वापस आ जाते हैं। और इसके अलावा जो ये बात है, ये कहना कि जी आप ये क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये तो डेली रूटीन की बात है। और आप जैसे मर्जी किसी के ऊपर इतराज कर दें, जैसे मर्जी आप उसमें से नुक्स निकाल दें, असल सूरत हाल ये है कि हमने पाकिस्तान को सही सीमत में डालना है। और वो सीमत क्या है? वो एट द एंड ऑफ द डे हमने अवाम के पास जाना है, अवाम से आपने डिसीजन लेना है, अवाम ने ही हुकूमत मुंतखब करनी है, अवाम ने ही आगे जो है देना है। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा, बिल्कुल उससे पहले, ठीक चौधरी साहब, 10 लाख लोगों को इस्तकबाल के हवाले से कहा जा रहा है, मरियम साहिबा भी कह रही हैं कि 10 लाख लोग होंगे जो नवाज शरीफ साहब का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। सर जो हालात हैं मौजूदा चौधरी साहब, जितनी महंगाई है और फिर जिस तरीके से लोगों को अभी ताज़ा पीडीएम का ये दौरे हुकूमत है वो भी याद है, चैलेंजेस तो होंगे, मुश्किलात तो हैं, इससे तो कोई डिनाइल नहीं किया जा सकता। देखें आप दलील के तौर पे मैं मियां नवाज शरीफ का 2013 का जो इलेक्शन है वो पेश करता हूँ। उस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या थे? कराची में 80 लोग 80 90 100 के करीब लोग मरते थे रोजाना, रोजाना मार दिए जाते थे, नाहक खून होता था। आप बॉर्डर की हालत जो है वो क्या थी अपना अफगानिस्तान के साथ आप देख लें, केपी ने क्या था। लेकिन उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने जो डिसाइड किया उसके ऊपर अमल हुआ, जो काम किया और आप मुल्क को रोशन किया, अपना अंधेरे खत्म किए और फिर उसके बाद अमन अमान कायम किया। पाकिस्तान में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। दौर में जॉन लीक्स भी आई ना, फिर सर उसी दौर में आप ये मत बोले, उसी दौर में फिर जॉन लीक्स भी आई ना, वो भी फिर एक्सपोज हुआ कि किसने कितना काम किया। देखें साजिश जो है वो अब तो एक्सपोज हो गई है, अब तो आप उसके हक में लुकमा दे रही है। मुझे डॉन लीक्स जो क्या थी, कुछ भी नहीं था, वो एक ऐसा ड्रामा था जो सबक लोगों ने रचाया था। आज हम उनको सुबह से शाम तक मुलायम कर रहे हैं और जो ड्रामा कर के वो लेके आए कर रहे हैं सर 2013 से 18 चौधरी साहब, वो सुनहरी दौर था, इसमें कोई शक नहीं है, लोड शेडिंग खत्म हुई, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, बिल्कुल। लेकिन चौधरी साहब मेरा एक सवाल ऐड करने सर, मेरा एक सवाल बस सर, एक सवाल ऐड, आपने यूज किया लफ्ज सुनहरी का, मेरी बात सुने, आप लोगों का मसला ये है कि आप लोग लुकमा डालते हैं, आप कहते हैं कि आपकी मर्जी का जवाब दिया जाए, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस। मोदी साहब मैंने कोई लुकमा नहीं डाला ना, आप अपनी मर्जी का, आपका जवाब होगा, सवाल हमारा होगा। मैंने आपसे कहा कि मियां नवाज शरीफ का दौर उनसे बेहतर था, आपने उसको सुनहरी कर दिया।
आप क्यों ऐसे सही सर सुनहरी मैं सही वर्ड्स में कह रहा हूँ, मैंने कुछ तोड़ नहीं किया चौधरी साहब, उसमें उसमें कोई खामी नहीं होती चौधरी साहब, मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ सर, मैं सेकंड कर रहा हूँ, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, महंगाई कम हुई, लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों आपको टोन लग रहा है, मोटरवे बनी सर इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद जब 16 माह में पीडीएम की गवर्नमेंट आती है, शहबाज शरीफ साहब पीएम होते हैं और पीएमएलएन जाहरी बात है नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद थी इस गवर्नमेंट के साथ, थपकी थी उनकी, तो सर अब लोगों को 2013 से 18 का टाइम वो भूल चुके हैं जो इस 16 माह में हुआ है, इसका अब लोग बात करें कि इस पे आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं, पीएमएलएन के पीएमएलएन के पीएम थे आप, आपके भाई और आपका कप्तान ही और है उसमें एक पूरा पूरी, हम जो हुकूमत मांग रहे हैं, हम जो इलेक्शन चाहते हैं, हम मुस्लिम लीग नून अपने आप को पेश कर रही है, हम पीडीएम जो है एक मजमुआ था, उसमें आपके आपके आ, आ, आपकी पूरी मर्जी नहीं चलती, आप दो साथियों को साथ लेके चलते हैं, जबकि हम अपनी कारकर्दगी जो है वो मुस्लिम लीग नून की पेश कर रहे हैं आपके पास सर, पीएम तो शहबाज शरीफ साहब थे, हम चौधरी साहब पीएम तो शहबाज शरीफ साहब थे ना, देखिए मेरी बात सुने, देखिए आप इसके ऊपर इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं, आप हमारी वो कारकर्दगी को, और फिर ये है कि पीएम शहबाज शरीफ ने क्या मुल्क को दिवालिया होने से नहीं बचाया, क्या पीएम शहबाज शरीफ ने कामयाब जो है वो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरा नहीं किए, क्या आपको सर अवाम दिवालिया हो गई चौधरी साहब, डॉलर देखिए कहाँ चला गया सर, फ्यूल कहाँ चला गया चौधरी साहब, अब मुल्क दिवालिया हुआ या नहीं हुआ, लेकिन गरीब आदमी तो दिवालिया हो गया चौधरी साहब, इमरान खान ने ऐलान नहीं किया था अगले 3 महीनों में पाकिस्तान खुदा न खास्ता कितना बड़ा नुकसान होगा, किस तरह से बात कर रहा था कि 3 हिस्सों में खुदा न खास्ता उनको उसके मुंह में खाक के हम हो जाएंगे, आप क्या बात करते हैं, बात यह है कि मियां शहबाज शरीफ ने और पीडीएम की हुकूमत का वाहिद कारनामा ये है कि उन्होंने जिस गर्दाब में इमरान खान ने हमें फंसा दिया था और वो उसके लिए आईएमएफ के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं था, कोई मुल्क जो उसके साथ नहीं था, ना सऊदी अरेबिया था, ना कतर था, ना यूएई था, ना अमेरिका उसकी बात सुन रहा था, पाकिस्तान को उसने एक ऐसी उसने अंधेरी गली में हमें लाया था कि कोई हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं था, शहबाज शरीफ ने आके इन सब के साथ अपने रिलेशन जो है वो बिल्ड किए हैं, उसमें आप चाहते हैं कि परफॉर्मेंस, आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, क्या हमारे मुल्क में आयल पैदा करने वाला मुल्क है, हम भाई हम जो पेट्रोलियम मसनूआत है हम बाहर से खरीदते हैं, चौधरी साहब जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी दावा तो यही करके आई थी ना कि हम महंगाई कम करेंगे सर, अब मसला ये है कि क्या आप नहीं समझते सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट आप खरी बात करते हैं सर, बस इतना जवाब दे दें, मैं आपके साथ क्या, हाँ इस बात के ऊपर मैं आपके साथ हूँ, इस बात मैंने 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 आप टारगेट बनाते हैं 1, 2, 3, 4 कुछ में से अचीव होते हैं कुछ उसमें नहीं होते, ये जो महंगाई कंट्रोल करने का टारगेट है मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये पीडीएम की हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन उस उन्होंने उनका ये कारनामा आप माने और उसको अवाम के पास बात जाने दें इसको कि जी उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है, इस कारनामे को आप ये नहीं कर सकते कि जी महंगाई, देखिए चौधरी साहब इस डिबेट में जाएंगे, सुबह सुबह का टाइम है, वी डोंट वांट कि आपका भी मूड अपसेट हो, हम अपने व्यूवर्स को भी इस डिबेट में चला दें, पॉलिटिकल शो में चला जाए, मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि आप अभी आप भी बाहर से ही आए हैं, मुझे ये बताइए नवाज शरीफ की वापसी के साथ कितने लोग लंदन से उनके साथ आएंगे, इसहाक डार तो आ चुके हैं, क्या उनके बेटे आएंगे या अकेले नवाज शरीफ आएंगे और कौन कौन से लोग आएंगे उनके साथ, देखिए देखें एक मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात कहता हूँ, जब मियां नवाज शरीफ के बच्चे बेटे पाकिस्तान में कारोबार करते थे उस वक्त लोगों के दिल में जेन में और पेट में मरोड़ उठते थे कि पाकिस्तान में वो काम क्यों करते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को अलहदा करके कहा कि जी आप वहाँ बैरून मुल्क ही काम कर लें, पाकिस्तान में जो है वो आपके सामने है, शुगर मिल रमशुगर मिल का केस और दूसरी मिल का केस और तीसरी मिल का केस, तो उन्होंने अपने फैमिली को अलहदा किया और खुद पाकिस्तान काम की खिदमत के लिए खुद को वक्फ किया, तो हम उनकी बात तो करते नहीं है, बाकी जो सियासी लोग हैं जिन लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तमाम लोग मियां नवाज शरीफ के साथ होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है ईमानदारी की कि पाकिस्तान को नवाज शरीफ की जरूरत है, और नवाज शरीफ जो है हमारी डिमांड के ऊपर बाकी लोग जितने भी जिन्होंने भी ट्राई की है, मैंने पहले अर्ज किया फिर करता हूँ कि सबसे बेहतर कारकर्दगी मोहम्मद नवाज शरीफ की है, तो क्यों ना जब कौम ये चाहती है कि मोहम्मद नवाज शरीफ
उनको लीड करे, कौम ये चाहती है कि उनकी खिदमत करे, कौम ये चाहती है कि तमीर और तरक्की का वही दौर शुरू हो, तो हम और आप कौन होते हैं कि अपनी अपनी जो है ना वो ख्वाहिशात जो हैं सर, अवाम तो उनका इस्तकबाल करने को बेताब पाकिस्तान है, अवाम तो मुंतजिर है, मियां साहब फैसला करेगी, सही बाहर बैठे थे, अवाम जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा, लेकिन अवाम को फैसला करने तो देना, क्या आपने अवाम को फैसला 2018 में करने दिया, क्यों नहीं करने दिया आपने, क्यों मियां नवाज शरीफ को नाहल करार दिया गया, आप क्यों आपने उनको सजा नाहक सजा दी, क्यों आपने उनको मुल्क से बाहर भेजने पे मजबूर किया, आप अंदाजा करें कि हम लोग उठ इतने इतने हम इंसाफ के खिलाफ हैं, हम एक बंदे का हक है उसका हक देना चाहिए, एक लीडर है आपके साथ दिन और रात, उसने आपको एटमी कुवत बनाया, आपको रोड दिए बना के, आपको मोटरवेज बना के दिए, आपकी खिदमत की दिन रात, और उन्होंने आप अमन ओमान कायम किया, उसको हम जो है बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, हम चाहते हैं कि नहीं ये टीम से भी आउट हो जाए, ये अपने जमात की क्यादत से भी आउट हो जाए और ये इंतखाब में हिस्सा भी ना लें, और फिर हम और आप बैठ के ये कहें कि जी मियां नवाज शरीफ जो है उसने क्या किया है और उसके फैसले होते हैं, किसको बाहर भेजना है, किसको बाहर बुलाना है, किसको किस पार्टी का क़यादत देना है, लेकिन आप उसको एक पोलिटिव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स अप टू यू, बट स्टिल हम 2013 और 18 वाली कारकर्दगी को डिनाइल नहीं करते, लेकिन ये जो अभी 16 माह की गवर्नमेंट आई है इसको भी डिनाइल नहीं करते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और कुछ बातें चौधरी साहब की बिल्कुल ठीक भी थी, कुछ बातें चलें अब मियां साहब 21 अक्टूबर को आते हैं, उसके बाद ही हालात और पाकिस्तान के आवाम ये तय करेंगे कि वो किसको इस पाकिस्तान का मसीहा समझते हैं, और अल्टीमेटली अवामी ताईद ही साथ होनी चाहिए, अवाम की ताकत से ही जो भी मुंतखब हो, इलेक्शंस हो, अवाम की ताकत से ही आए और अवाम के पास ये इख्तियार है, क्योंकि पाकिस्तान में ताकत का जो सरचश्मा है वो अवाम है।